देखलू अपना रजत चाची के कमाल। तू तो खाली गोली बंदूक आ चाकू एक बात करत रहलू, उहे खाली आवेला तारा। कबो कबो अपना रजत चाची के बात भी मान ले अल कर राजकुमारी। जब मितवा ने ऋतु को मेहंदी लगाई ना तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब उसने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया तो बहुत सुकून मिला। आज मैं बहुत खुश हूँ रज्जो चाची, आप देखना मेरे हाथों पर भी मेहंदी का रंग बहुत गहरा चढ़ेगा, क्योंकि मैंने नींबू शक्कर का पूरा घोल अपने हाथ पर डाल दिया। अरे हमारे राजकुमारी, खाली नींबू पानी के घोल लगैला से मेहंदी का रंग ना चढ़ेला। मेहंदी तबो खूब चढ़ेला जब केहू केहू से खूब प्यार करेला। आ तू अपना मितवा से इतना प्यार करेलू तो देखिए तहार मेहंदी कितना चढ़ी, खूब चढ़ी मेहंदी तहार। वाह रज्जो चाची, क्या बात कही है आपने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चाची जी मैं भी आती हूँ। अरे दादा, ओ दादा, लड़की तो हमारा डेरा के रख ले भैया, छोड़े में गला लगा लेती है, और छोड़े में हमारे गर्दन दबा ले, एकरा से बड़ा हिसाब से हमारा रहे के पड़ी। मतलब तू खाना ना खाइबू? हाँ माँ जी, हम खाना ना खाए। रितु, आखिर कब तक तू भूखे रहबू? जब तक मिथिलेश जी के ये बात के एहसास ना हो जाए कि उनका पत्नी भूखी बाढ़, तक ना खाए। माई, एक तरह से एक मिनट बात करे कर ला। एक मिनट मिथिलेश। रितु, मिथिलेश वैसे ही तोरा से बात नहीं खे करत, ओकरा के कोनो एहसास नहीं खे कि तू भूखे बाड़ू, ओकरा के कोनो चिंता नहीं खे। आपन जीत छोड़ा और चला, चुपचाप चल के खाना खा। मिथिलेश जी अपना हाथ से खाना नेकी खिला सकत तो कौनो बात ना, यहाँ के हमरा से नेकी बोल सकत तब वो कौनो बात ना, बाकी यहाँ के हमरा के चिट्ठी लिख के तो दे सके नहीं ना, मोबाइल से मैसेज तो कर सके नहीं ना। मिथिलेश जी अपना मुंह से नेकी बोल सकत तब और भी तो तरीका बा ना बात करे के। यहाँ की जब तक हमरा से बात ना करब हम खाना ना खाए। मिथिलेश तोहार दिल एकदम पत्थर के हो गए बाका, तोरा के तन को शर्म नहीं खे तोहार अपन पत्नी भूखे बैठल बाड़ी और तू अपन दोस्त संग मित्रा के खाना खिलावत बड़ा। माई तू हमारा बात के यकीन माना ले, सच बताई तो यह बात हम कहे वाला रहनी है। माई माई चाहे कुछ भी हो जाओ, चाहे कैसे भी रितु जी के खाना खिला दिया। नहीं, तू जब तक ओकरा से बात ना करबा वो खाना के छुई तक ना। अच्छा एक बात बतावा प्लीज, तू रितु से बात काहे ना करता? कहा बात बा, तू रितु से बात काहे ना करत आड़ा? क्योंकि तुम्हें इन पवित्र घुंघरुओं की कसम है, तुम्हें रितु को सजा देनी ही होगी। बोला मिथिलेश, तू रितु से बात काहे ना करत तुम्हें बस करना इतना है कि सजा के तौर पे रितु से बात नहीं करनी है। जब तक इस गुलाब के पौधे में से कली और उसमें से फूल नहीं खिल जाता तब तक मितवा रितु से बात नहीं करेगा। जब तक मितवेश जी के ये बात के एहसास ना हो जाए कि उनका पत्नी भूखी बाड़ी,
दर्दनाक है। मिथिलेश? हाँ माई। चलिए अब सब लोग एक एक करके अपन हाथ के मेहंदी छुड़ाई और सबके मेहंदी के रंग के हिसाब से नंबर दिया जाए। अब ये देखे के बा कि केकर हाथ के मेहंदी के रंग सबसे ज्यादा गहरा बा, जेकर हाथ के मेहंदी के रंग सबसे ज्यादा चढ़ी ओकर उसे हिसाब से नंबर भी दिया जाए। चला शुरू किया जाए। अब ऋतु और संगमित्रा के छोड़ के सबके हाथ के मेहंदी छूट गई। अब आप लोग ऋतु और संगमित्रा के छोड़ के सबके हाथ के मेहंदी देखी, सबके हाथ के मेहंदी देखी और नंबर दी। जेकर मेहंदी के रंग सबसे ज्यादा चढ़ल बा ओकर वही हिसाब से नंबर मिली है। चला अब ऋतु और संगमित्रा बचल बाड़ी। अब इनके हाथ के मेहंदी के रंग देखल जाए और उसी हिसाब से इनके नंबर भी दिल जाए। हाँ मित्रेश बाबू भाई, तू ही देखा इस संगमित्रा और ऋतु के नंबर तू ही दिया, बाकी सबके कितना नंबर मिलल बा वो हम बतावता नहीं है। ठीक बा। गोपाल तैयार बना भाई। अरे कोई बात नहीं लाला, बोला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लाई चाचा जी, अरे बहुत बढ़िया। हाँ तो भाई चाचा जी चाची जी के 10 में से 7 नंबर दे ले बाड़े। हाँ अब भोला बाबू भी प्रीति के 10 में से 8 नंबर देले बाड़े। अरे क्या बात है प्रीति, बहुत बढ़िया भोला बाबू, तालियां तालियां बहुत बढ़िया। तो भाई ऋतु और संगमित्रा के नंबर बतावे के, मिथिलेश तू ही बता दा कि ऋतु और संगमित्रा में से केकर मेहंदी के रंग सबसे ज्यादा चढ़ल बा और केकर एक सबसे ज्यादा नंबर दी। वैसे हम एगो बात कहल चाहते नहीं कि सबकर मेहंदी बहुत ही बढ़िया बटे, बहुत ही अच्छा बटे, लेकिन खेल के हिसाब से हमरा के तो बता वहीं के पड़ी। सबसे पहले हम बताओ तो नहीं संगमित्रा के। संगमित्रा के 10 में से 8 नंबर मिलल बैठे। अब ऋतु के का मिलल बाबू बतावा। हाँ और ऋतु जी, ऋतु के नंबर मिलल बैठे। पूरा मिथिलेश सब लोग बेचैन हो रहल बड़े। हाँ 10 में से 10 नंबर।
रितु के हाथ के मेहंदी के रंग सबसे ज्यादा चढ़ल बा और रितु जीत गए। अरे वाह। रितु मुझसे कभी नहीं जीत सकती। उसकी मेहंदी का रंग मुझसे ज्यादा कैसे चढ़ सकता है? कैसे? अरे अमर राजकुमार, केवाड़ी कहे बंद करते रहो? ये हाथ में बेल ना लेके काहे घूमत रहो? अरे अरे राजकुमारी, हमरा के मत मरिया, हम कोनो गलती नहीं कले, कोनो गलती हो कले को तो माफ कर दो, बाकी मरिया मत हमरा के। चुप। आपको मारने के लिए नहीं बल्कि खुद को मारने के लिए बेलन लेकर आई हूँ। तो अरे देख क्या रही हो, पकड़ो इसे और मारो मुझे, मारो। तो बेलन आपके मुंह में घुसेड़ दूँ। और मारो। आप तो बोल रही थी ना कि अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसकी हथेली में मेहंदी का रंग बहुत अच्छा चढ़ता है। तो मेरे मन में तो मितवा के लिए कितना प्यार है, लेकिन मेरी हथेलियों में तो रंग चढ़ा ही नहीं। लेकिन इसमें मेहंदी की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी हथेलियों की है, इसीलिए तो मैं इनको सजा दे रही हूँ। पर चाची जी, मैं आपसे क्यों बोल रही हूँ ये सब? ये तो मुझे मेरी हथेलियों से बोलना चाहिए ना। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, अगर अगली बार तुम दोनों के ऊपर मेहंदी का रंग नहीं चढ़ाना तो जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद अपने मजदूरों के हाथ काट दिए थे, वैसे ही मैं तुम दोनों को भी काट कर अपने हाथ से अलग कर दूंगी। समझ गए? नहीं समझे? जब तक मिथिलेश जी के ये बात के एहसास ना हो जाए कि उनका पत्नी भूखी बाड़ी तक ना खाए, यहाँ के हमारे से बात नहीं कर सकत, तब वो कौन बात ना। बाकी यहाँ के हमारा की चिट्ठी लिख के तो दे सके नहीं ना, मोबाइल से मैसेज तो कर सके नहीं ना। रितु जी, खाना खाली, हमरा खातिर खाली। रितु जी, कि तुम रितु से कोई बात नहीं करोगे किसी भी तरीके से, नहीं ना चिट्ठी से, ना मैसेज से, ना कॉल से, किसी भी तरीके से कोई बात नहीं करोगे। जब तक जुआ अपन मुंह से हमरा से बात ना करब तब तक ये खाना हम ना खाए मिथिलेश जी।
क्योंकि तुम्हें इन पवित्र घुंघरुओं की कसम है कि तुम ऋतु से कोई बात नहीं करोगी। बोली ना, कुछ तो बोली। ठीक बात है। चाची जी, हम कहत रहनी कि रवाई पुराना जमाना के गाना काहे गाता नहीं। गाय की आज शाम संगीत में खाली नया जमाना के गाना पे नाच होई। अरे नाना, ये आजकल के धड़ाम धुरुम गाना पे नाचना होई। होई नाच तो पुराना जमाना के गाना पर और एकदम मधुर मधुर संगीत गाने प्रिय है। हाँ, तब भी मजा आए। हाँ, लेकिन चाची जी खाली रवे के मजा आई ना, और केहू के ना आए। अरे सब लोग चुप काहे बड़े, बोलो ना चाची जी के। चाची जी, आज शाम खाली नया गाना पे नाच होई ना। ए सुन, हमरा संगीत में पुराने गाने पे नाच होई, हम एक बार कह देनी तो कह दे। अम्मा जी, रउआ दुनी जनी शांत हो जाई। एक काम कइल जाओ, नया और पुराना गाना मिला के नाच होई। एकरा के कहल जाला फ्यूजन म्यूजिक। ए तरह के म्यूजिक के आजकल के शादी ब्याह में बहुत प्रचलन बा। हाँ? फ्यूजन म्यूजिक? ये कैसा म्यूजिक होला? बोला जी अजी, ये तो हमरा के मालूम ही नहीं खे। ये का होला? मैं बताती हूँ। फ्यूजन म्यूजिक का मतलब है नए गाने पे पुराने जमाने का डांस और पुराने गाने पर नए जमाने का डांस। लेकिन फ्यूजन म्यूजिक में तो संगमित्रा। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं भोला जी, मैं बोल रही हूँ ना। और लंदन में फ्यूजन म्यूजिक पे बहुत डांस किया है मैंने, इसलिए आपसे ज्यादा पता है मुझे इस म्यूजिक के बारे में। और वैसे भी बात जब नाच और गाने की हो तो जो मैं बोलूंगी वही होगा। आज शाम को संगीत प्रोग्राम में घर के सभी बड़े बुजुर्ग नए जमाने के गाने गाएंगे और हम सब घर के लड़के लड़कियां पुराने स्टाइल का डांस करेंगे, जैसे कि पुरानी फिल्मों में होता था। और वैसे ही हम लोग पुराने जमाने के गाने गाएंगे और घर के सभी बड़े बुजुर्ग नए स्टाइल का डांस करेंगे। अरे वाह संगमित्रा दीदी, ये तो एकदम गजब बात कह लुआ। आज तो बहुत मजा आई संगीत में। अरे एक से एक आइडिया बा हमारा राजकुमारी के लगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस। तो चलिए रिहर्सल शुरू करते हैं, देर किस बात की। मैं वादा करती हूँ
ना ही मैं इस पौधे से कली काटूंगी और ना ही फूल। ये तुम्हारी मित्रा का वादा है तुमसे। मित्रा? हमरा के पूरा विश्वास बैठे कल शाम तक ले ये पौधा के कली जौन बैठे हो गुलाब के फूल में बदल जाए और हमारे दिहल कसम भी पूरा हो जाए। और उसे सबसे बड़ी बात की ऋतु जी के सजा भी खत्म हो जाए। मित्रा ओकरा बाद हम ऋतु जी से बात करे लगा मैं। बस हम रहे काल शाम तक ले इंतजार बैठे।